हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी एक रुपया बिना इन्वेस्ट किए आपको एक बहुत ही काम की चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक पुरानी टी शर्ट लेनी है और टी शर्ट को इस तरह से सेट कर लेना है और करीबन 1 से 1.25 इंच का हमें यहाँ पर कट करना है। तो एक कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लीजिए आपके पास हो जो भी, या फिर बनियाइन भी यहाँ पर चलेगी, जो पुरानी बनियाइन यूजलेस होती है वो। इस तरह की कुछ पट्टियां हमें कट करके इसमें निकालनी है। तो आप देख सकते हो कि साइड से ही मैं एक साथ लंबाई में पट्टियां निकाल रही हूं। तो लंबाई में इस तरह तरीके से हमें सारी पट्टियों को कट करके निकाल देना है। और अगर बड़ी टी शर्ट है आपके पास तो अच्छी बात है, छोटी टी शर्ट है तो आप एक जैसी या एक सेम कलर की या फिर दो कलर की आप दो टी शर्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सारी पट्टियाँ मैंने कुछ इस तरह से काट करके निकाल दी हैं। तो गाइस, इस तरीके से सारी पीसेस मैंने कट कर ली हैं, ये देखिए। अब करना ये है कि ये जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको हमें अलग कर देना है और दोनों हाथों से इनको खींच देना है। खींच करके इस तरीके की हमें रोप बना लेनी है। जब आप खींचिएगा तो इनकी लेंथ में ये लंबी हो जाएंगी, क्योंकि टी शर्ट जो है स्ट्रेचेबल होती हैं और खींचने पर ये बढ़ जाएगा इस तरह से। तो देखिए, मैं इस तरह से खींच रही हूँ इसको, इनको खींचना है और खींच करके इसी तरीके की हमें रोप बना लेनी है सबकी। तो यहाँ दिखा दे रही हूँ कि इसी तरीके से हमें करना है, बाकी सबको भी मैं इसी तरीके से कर ले रही हूँ। ये देखिए, सबको मैंने इसी तरीके से कर लिया है और खींचने पे ये लेंथ में थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो करने के बाद मैं यहाँ पर जितनी लेंथ हमें रखनी है उतनी लेंथ को हम यहाँ पे नापेंगे। अब तो 32 इंच करीबन आप इसको रख सकते हो। तो मैं, ये मेरी लेंथ है तो जितनी है मैं उतनी ही रख रही हूँ। 1 इंच 30 इंच करीबन ये आएगा। तो 32 इंच यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ नापी हुई है। तो गाइस, इसी तरीके से हम सारी लेंथ जो भी हमने ये निकाल के रखी हुई है उसको हम नाप लेंगे। और नाप के आप इस तरीके से नाप के और उसको अलग करके एक साथ सबको इक्वल कट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 30 इंच ले रही हूँ, 30 से 32 इंच तक आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप माप लीजिए और माप के जो एक्स्ट्रा है उसको आप कट करके निकाल दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और इसी तरीके से हमें सारी रोप को निकाल लेना है कट करके और एक बराबर इसको हमें माप लेना है। तो गाइज, ये सारी रोप हमने माप ली है एक बराबर 32 इंच की और ये मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। अब मैं बताती हूँ कि आगे हमें करना क्या है इनको मापने के बाद। यहाँ पे गाइज, एक मैंने ये रोप ले रखी है और इसको मैंने यहाँ से वहाँ तक, ये मैंने मेज़ उल्टा करके बांधा है क्योंकि और कोई जगह मेरे पास नहीं थी। तो आप विंडो में या दरवाज़े के इस तरह से जो होता है हैंडल उसमें आप बांध सकते हो। तो मैंने इस तरह से बांध लिया है और अब इस रोप को जो हमने कट करके रखी है उस रोप को हमें दोनों इक्वली कॉर्नर को सेट कर लेना है, मतलब दोनों पार्ट एक बराबर कर लेना है और इस तरह से पकड़ना है। देखिए किस तरह से पकड़ना है, अंदर मैं कायदे से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यूँ डालेंगे, यू बना के, ये देखिए, और इसमें से दोनों पीसेस हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये दोनों पीसेस निकाल लेंगे और ये इस तरह की नॉट एक लग जाएगी इसमें। तो दोनों पीस को लेकर के एक साथ हमें इस तरह से बांधना है। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको किस तरह से करना है। तो दोनों पीसेस को इक्वली नीचे से इक्वल कर लेना है और फिर इस तरह से नीचे करना है, होल में दोनों पीसेस को डालना है और निकाल देना है। इस तरह से ये नॉट लग जाएगी और दोनों को करीब करीब ही बांधना है। ये देखिए, तो इसी तरीके से सारी पीसेस हम यहाँ बना लेंगे।
इनको नॉट इसी तरह से लगाते जाना है जितनी भी हमारे पास रोप बना के हमने रखी है। गाइज यहाँ पे देखिए कि ये सारी पीसेस को मैंने इस तरह से बांध लिया है। तो देखिए एक बराबर नॉट मैंने लगा दी है इन सारी पीसेस को। अगर आपको बड़ी छोटी कुछ लग रही है तो आपको कैंची से थोड़ी ट्रिम कर देना है। और अब इन दोनों जो गांठें हमने लगाई हैं उन गांठों को हम मेज़ पर से खोल लेंगे। तो गाइज ये देखिए ये मैंने खोल लिया है, ये पूरी तरह से खुल गया है। और जो हमने रोप बांधी थी जिसमें वो भी हमारे पास है, उसको कट नहीं करना है। अब यहाँ पे कोई भी एक स्टिक ले लीजिए, चाहे आपके पास प्लास्टिक की हो, लोहे की हो या लकड़ी की हो। ये जो है वो है स्लीव, जो टी शर्ट की बची हुई स्लीव है उसका इस्तेमाल हम करेंगे जिसमें से हमने कट करके रोप बनाई है। और इस तरह से उसका मुंह जो है डंडे का उसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको इसके ऊपर सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखेंगे और नीचे वाले जो नॉट ऑलरेडी लगी है, जो रोप है उसमें हम इसको पहले बांध देंगे। एकदम टाइटली बांधना है, ध्यान रखिएगा जितना टाइट पॉसिबल हो सके उतना अच्छा ये काम करेगा और उतना ही अच्छा आपके इस्तेमाल में आएगा। तो इस तरह से सारे जो इसके रोप हैं उसको नीचे सेट करते हुए काफ़ी टाइटली इसको बांधना है। तो एक बारी मैं ऊपर से अंदर कर दे रही हूँ, इसको देखिए अंदर कर दे रही हूँ ताकि इसमें ये फंस जाए। और फिर इसकी नॉट मैं लगाऊंगी कस के। ये देखिए जितना पॉसिबल हो सके नॉट लगानी है हमें। और इसी तरीके अब जो एक्स्ट्रा ये रोप है हमारी वो घुमा घुमा के हम पूरी स्टिक के ऊपर घुमाएंगे, इस तरह से टाइटली घुमाते जाएंगे। और लास्ट में उसमें जो एक्स्ट्रा रोप हमने छोड़ी थी उसको हम लपेटना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये एक्स्ट्रा रोप है जो हमने मेज़ में बांधी थी। मेज़ में जो बांधिएगा वो थोड़ी बड़ी रोप रखिएगा। और इसके जो जितने भी कट है उसको नीचे करते हुए हम इसको लपेटना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी टाइटली लपेटेंगे हम। आप देख सकते हो कि कितना टाइट मैं लपेट रही हूँ इसको। इसी तरीके से लपेटते जाइए पूरा। और ध्यान रखिए कि जब लपेट रहे हो आप तो कोई भी एक रोप इसमें आ करके उल्टा फंसनी नहीं चाहिए, इसीलिए हर बार उस सब रोप को आपको हाथ से नीचे करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे मैं नीचे कर रही हूँ थोड़ा ताकि इसकी मजबूती और हो जाए। सारी रोप को हाथ से नीचे करते हुए इसी से मैं इसको घुमाते हुए इसको टाइट कर रही हूँ। बिल्कुल जितना अच्छे से टाइट करिएगा उतना ही ये मज़बूत बनेगा। अब मैं इसको इसमें नॉट लगाने वाली हूँ, तो नॉट देख लीजिए आपको कैसे लगानी है। ये देखिए एक नॉट मैंने इसी में लगा दी है। अभी मैं क्या करूँगी, ये ऊपर में इसको फंसाने वाली हूँ। ये देखिए ऊपर से मैं निकाल रही हूँ नीचे, ये देखिए। और एक बारी और निकालेंगे हम। दो तीन बारी इसको निकालने के बाद अब हम इसमें नॉट लगाएंगे, इससे ये बिल्कुल नहीं निकलेगा और हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। ये काफ़ी अच्छे से हो गया है गाइस। और इसके सारे जितने भी रोप है उसको हम हाथ से एक बारी जैसे कंघे करते हैं ब्रश, वैसे हम इसको नीचे कर देंगे सबको। अब जो है चार अंगुल का डिस्टेंस दे के एक बारी और हम इसमें इस तरह से नॉट लगाएंगे। ये देखिए ये सारी जितने भी इसके कट हैं उसको हम नीचे की तरफ खींच देंगे ऊपर से। तो एक कट मैंने करीबन चार से छः अंगुल के नीचे लगाया है, एक नॉट नीचे लगाया है चार से छः अंगुल के, आप देख सकते हो। इन सबको हम इस तरह से खींच देंगे ताकि ऊपर से ये बराबर हो जाए।
इसको खींच लीजिए, उसके बाद से ये घुमा करके इसमें, और ये नॉट लगानी है इसमें आप हमें, देखिए किस तरह से लगा रही हूँ मैं। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पीस इसमें फंस के मुड़ ना जाए, इसीलिए सबको नीचे करते जाइए और यहीं पे इसके नॉट लगा दीजिए आप। और ये नॉट मैंने लगा दी है, एक्स्ट्रा जो पीसेस है उसको कट कर दीजिए। और ये बनके रेडी हो गया है। आप चाहो तो नीचे से थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके इसको इक्वल कर सकते हैं। और ये बिना पैसा खर्च किए आपका पोछा बनके रेडी हो गया है। इसको इस्तेमाल करके भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए पानी में मैंने इसको डाल दिया है, और अब मैं इसको यूज़ करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। बिल्कुल भी इसमें से निकलेगा नहीं, देखिए मैं पूरा हाथ चला रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इसमें से ये निकल आएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैंने इसको बांधा है। तो बिल्कुल भी जीरो कॉस्ट पे गाइज ये बनके रेडी हुआ है, सिर्फ एक पुरानी टी शर्ट से। तो गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।